हेलो बच्चों, ठीक है? आप सब कर रहे हैं रिवाइज? लास्ट लेक्चर में अपने हम लोगों ने आपके साथ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बड़े क्वेश्चंस, यानी जो फाइनल अकाउंट्स वाले होते हैं, जिसमें कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हो, वो क्वेश्चन मैंने आपके साथ देखे थे। और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। यस, आज इसी पॉइंट को अपना आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। ए बी सी आर पार्टनर इन द रेशियो, मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आपको एक बार देखना है अपने आप, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा, आपने करने के प्रयास किए होंगे, तो चेक कर लेंगे कि आपने ठीक किया है कि गलत। ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 2:3:5। देयर बैलेंस शीट एज फॉलो, क्रेडिटर 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है, कैपिटल अकाउंट गिवन है ए बी सी का, और एसेट्स में कुछ है कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, लैंड। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 2/5 शेयर। एक न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है डी, कितने शेयर के लिए? 2/5 शेयर के लिए। डी ब्रिंग ₹15,000 एज गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय पार्टनर। तो डी जो है वो 15,000 ब्रिंग करता है, यानी कि वो कैश में लाया है गुडविल, 15,000 की गुडविल वो कैश में लाया है, जिसमें कि हाफ जो है वो विड्रॉन कर लेंगे पार्टनर्स, हाफ जो है वो पार्टनर्स ने विड्रॉन कर ली। डन। एबीसी के पास एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जिसकी सरेंडर वैल्यू है 12,000। स्टॉक रिवैल्यू किया जाएगा 48 पे, एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 1,000। डी वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 2/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर ऑल रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स। यानी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, और अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो कैलकुलेट करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर। तो वो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करनी है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आंसर नंबर 26, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक या दो ही एंट्री है रिवैल्यूएशन में, तो ज्यादा इसमें नहीं बनेगा। इसके बाद आएगा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर्स का नाम बताइए, क्या नाम था पार्टनर्स का? ओके, ए बी सी पहले से है, डी एडमिट हुआ, यानी चार पार्टनर है भाई। पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। डन। देन वर्किंग नोट, जब इस पे आएंगे तब देखेंगे। सबसे पहले तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। रिवैल्यूएशन के लिए आपके पास पहली एंट्री है स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 48। 45 से 48 हो गया, तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया? 3,000 से। आप बैलेंस शीट में शो करेंगे स्टॉक 48,000,
45 हो गया, 48 हो गया। एंड अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी एक निकल कर आई 1000 रुपीज की, तो ये भी फायदा है। बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1000, और इसको आप अपना यहां पर एसेट भी बनाएंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1000। बस जी, दो ही एंट्री थी आपके पास, आपके रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है। तो टोटल आपका 4000 का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया, जिसको मैं लिखूंगा यहाँ पे टू गेन 4000। तीनों पार्टनर्स में जो पुराने हैं उनमें जाएगा एबीसी, पुराने पार्टनर्स की रेशियो चेक कर लो 2, 3, 5, आपको क्वेश्चन के ऊपर ही नजर आएगा 2, 3, 5, 3, 2, 5 और 5, 10, यानी 400, 800, 1200, 2000। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर करूँ तो पहले मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ, बैलेंस बीडी आता है सबसे पहले, दो चार लाइनें छोड़ देता हूँ, फिर मैं यहाँ लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन, जिसमें कि मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा 800, 1200, 2000, और डी में आएगा नहीं। ओपनिंग बैलेंस चेक कर लो कितना है, 50, 50, 50, डिवाइड कर दीजिए, मतलब लिख दीजिए तीनों में 50, 50, 50, या आपने तीनों में लिख दिया 50,000 ईच हो गया, डन। इसके अलावा अब आपके पास मैं बात करता हूँ, सबसे पहले ना एक काम करो, ये 30,000 आपके पास एक पीएनएल नज़र आ रहा है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो आप यहाँ शो करेंगे इसको बाय पीएनएल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 30,000, तो 3000 बनता है, 3000 × 2 = 6000, 3000 × 3 = 9000, 3000 × 5 = 15000, ये आपके पास निकल कर आ गया, डन डन सर। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कस करना चाहूँगा कंसेप्ट जेएलपी का सर। जेएलपी स्टैंड्स फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पार्टनर्स ने आपस में, या मैं कह सकता हूँ फर्म ने पार्टनर्स के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि कल को किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, बिजनेस में रहते हुए वर्किंग पार्टनर की डेथ हो जाए, तो हमें उसकी फैमिली को क्लेम देना पड़ेगा सर, इंसानियत के तौर पर भी और बिजनेस के तौर पर भी। तो वो इतना पैसा फर्म के पास उस समय होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए क्या किया फर्म ने, सभी पार्टनर्स के नाम पर जॉइंटली एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। और ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो जॉइंटली ली जाती है उसे कहा जाता है जेएलपी। ये सेम ऐसा है जैसे आप और हम एलआईसी कराते हैं, बस यहां पर जॉइंटली सभी पार्टनर्स का नाम इसमें आएगा। अब जिस कंपनी से आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, उस कंपनी की एक कंडीशन है, क्या, अगर ये पॉलिसी 10 साल की है, लेट्स से ये पॉलिसी 10 साल की है, तो अगले 10 साल तक ना तो आपके पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होनी चाहिए, ना ही आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होना चाहिए, ना ही कोई रिटायर होना चाहिए, यानी आपकी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी को तोड़ देगी। यानी एक कंडीशन क्या है, ना तो कोई पार्टनर एडमिट होगा इन 10 साल में, और ये 10 साल मैंने एक एज्यूम किया है, कुछ भी फिगर हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी टर्म की हो सकती है, ना तो इन 10 साल में कोई एडमिट होगा, ना ही कोई पार्टनर रिटायर होगा, डेथ तो एक अलग केस है, डेथ में तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, और ना ही आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि भैया हम पॉलिसी को तोड़ देंगे बीच में, और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी टूटेगी तो क्या हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, नहीं सर मिलेगा, जो पैसा हमें मिलेगा वो अमाउंट कहलाएगा, वो वैल्यू कहलाएगी सरेंडर वैल्यू। क्या कहलाएगी, सरेंडर वैल्यू कहलाएगी। तो वही चीज इसमें हुई भी है, ए बी सी ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी और उसकी सरेंडर वैल्यू आपको रिसीव होगी आज की डेट में, क्यों, क्योंकि आपने नया पार्टनर एडमिट कर लिया, तो आपने पॉलिसी तोड़ दी, तो आपको सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलेगी। इस सरेंडर वैल्यू पे राइट है पुराने पार्टनर्स का पुरानी रेशियो में,
सरेंडर वैल्यू पे राइट है पुराने पार्टनर्स का आपके पुरानी रेशियो में। पॉलिसी थी 12,000 की, चौबीस सौ, 3600 और 6000, ये आपका अमाउंट आ गया। मैंने पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जेएलपी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एडजस्टमेंट का कोई भी आइटम दो जगह जाता है तो आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि सर जेएलपी का सेकंड इंपैक्ट क्या होगा। सर एंड मैम, जेएलपी आपको रिसीव होगी इन कैश या बैंक, तो वो आपके कैश या बैंक को इंक्रीज करेगा, सेकेंड इम्पैक्ट ये होगा। डन। मेरी सेकेंड थर्ड फोर्थ एंट्री हो गई है। फर्स्ट एंट्री जिसमें कि बोला गया डी जो है 15,000 गुडविल लाएगा, उसके लिए मैं वर्किंग नोट पे आता हूं। जर्नल, अगर मैं आपसे जर्नल की बात करूं, जर्नल में सबसे पहली जर्नल होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हालांकि यहां पर डीज कैपिटल भी आएगा टू डीज कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये डीज कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा वो मुझे नहीं पता। यहां का अमाउंट अभी गायब है। कोई बात नहीं, प्रीमियम की एंट्री तो हम लोग कंप्लीट कर ही सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होता है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हो जाएंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, तीन हो जाएंगे आपके पास। और 15,000 है पुरानी रेशियो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। 3,000, 4,500 और 7,500। तो मैं प्रीमियम वाली एंट्री तो कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ लिख दूं बाय कैश अकाउंट कितनी कैपिटल लाएगा वो तो नहीं पता मुझे अभी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000, 4,500 और 7,500, 3,000, 4,500 and 7,500, 3,000, 4,500 और 7,500। डन, क्लियर हो गया यहां तक? डन हो गया सर यहां तक। तो मैं कह सकता हूं मेरी फर्स्ट एंट्री भी अभी हुई है लेकिन आधी, क्योंकि आगे की लाइन है कि इसमें से हाफ जो गुडविल है वो पार्टनर्स ने विड्रॉन कर ली। तो हाफ गुडविल जब विड्रॉन हो गई तो विड्रॉन में क्या होगा, कैपिटल कम हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल विड्रॉन की एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे प्रीमियम नहीं लिखोगे? ना 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 ना, प्रीमियम विड्रॉन नहीं हो रही सर, सिंपल कैश विड्रॉन हो रहा है। आप सिंपल कैश विड्रॉन को कराओ 7,500, इस 15,000 का हाफ 7,500, पुरानी रेशियो 2,3,5, 1,500, 2,250, 3,750, एबीसी तीनों में आ गया। अब इसकी भी एंट्री आप एबीसी में करो, ड्रॉइंग होगी उसकी, कैपिटल कम हो जाएगी, टू कैश अकाउंट 1,500, 2,250, 3,750, 1,500, 2,250 और 3,750। तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री अब जाके कंप्लीट हो गई। अब मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों एंट्री कंप्लीट हो गई। बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट होना हो, सिर्फ एक था पीएनएल, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। तो अब मेरे पास आती है लास्ट वाली एडजस्टमेंट, जहां पर मुझे न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट कर सकता हूं, क्लोजिंग कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट कर सकता हूं,
तो ए बी सी की कैलकुलेट कर लो जरा। टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर, मैं क्रेडिट का टोटल कर रहा हूँ ए का, 50 प्लस 3, 53,000 प्लस 800 प्लस 6,000 प्लस 2,400, 62,200 माइनस 1,500, 60,700 ए की आ गई। बी पे आ जाओ, 54,500 प्लस 1,200 प्लस 9,000 प्लस 3,600, 68,300 माइनस 2,250, 66,050, 50,000, 7,500, 2,000, 15,000, 6,000, 80,500 माइनस 3,750, 76,750। आपको पता है ना कैसे करना है आपको? ये तीनों की कैपिटल आ गई। अब वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हम सबसे पहले लिखते हैं पुराने पार्टनर्स की न्यू कैपिटल, न्यू क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए बी सी 60,700, 66,050, 60,700, 66,050, 76,750, 76,750। टोटल करें जरा इसका, 66,050, 60,700, 2,03,500 आपकी टोटल न्यू कैपिटल आ गई। टोटल न्यू कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, टोटल न्यू कैपिटल आ गई है। अब आपको न्यू शेयर पता लगाना होगा ऑफ ए बी एंड सी। क्वेश्चन में आपको न्यू कैपिटल, न्यू शेयर कैपिटल गिवन नहीं है, न्यू पीएसआर गिवन नहीं है, सॉरी, बस ये गिवन है कि जो डी एडमिट हुआ है उसका शेयर 2/5 होगा। तो आप न्यू कैसे निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है, आप चारों का मिलाकर 1 होगा, चार मतलब ए बी सी डी, चारों का मिलाकर 1 होगा। उस चारों में से एक का आपको पता है, किसका? डी का, 2/5, उसको हटा दो, यानी बाकी तीनों का मिला के नया 3/5 हो गया। अब मैं आपको कह सकता हूं कि 4 3/5 शेयर, 3/5 शेयर के लिए कैपिटल कितनी है? 2,03,500। तो टोटल कैपिटल कितनी निकाल लेंगे हम लोग? 2,03,500 का रेसिप्रोकल ऑफ 3/5, 3,39,167 टोटल कैपिटल आ गई। इसमें अब मैं बात करूंगा डी डी की कैपिटल में, उसका शेयर निकाल दो, 3,39,167 इंटू 2/5, 11 आपके पास 1,35,667, 1,35,667। यहां से इसको रब करो, वन फाइव जीरो सिक्स सिक्स सेवन, 1,50,667, 1,50,667। अब इसी को उठाकर 1,35,667 यहां से रब कर दो, 1,35,667 ये आपकी कैपिटल हो गई, और यही कैपिटल आपकी 1,35,667 यहाँ पे आ गई। अब आप लाइबिलिटीज में आ जाओ भाई, अपना क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी 60700, 66050, 76750, 1,35,667,
मेरे को इनका टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने टोटल कैपिटल निकाली थी 339167। और चेक करो और क्या क्या है हमारे पास बैलेंस शीट में। ये मेरी फिफ्थ एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, क्रेडिटर है 20,000, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्रेडिटर है 20,000, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कुछ और है नहीं। अब उस साइड आ जाओ, कैश है तो कैश आपके पास पहले से 18 था, जो न्यू पार्टनर आया वो कैश लाया था 150667, लेकिन कुछ प्रीमियम जो है ना, अच्छा एक इसमें, हाँ चलो कर लेता हूँ पहले, कुछ जो अमाउंट है प्रीमियम का वो विड्रॉन हुआ था जहाँ पर आपका कैश डिक्रीज हुआ था 7,500, और एक आपको जेएलपी रिसीव हुई थी 12,000 की कैश में, वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो 18 पहले से था, 12,000 और आ गया, जेएलपी 30 हो गया, प्लस 150667 माइनस 7,500 173। ये तो आपका कैश हो गया, कैश हो गया। स्टॉक में पहले लिख चुका हूं बिल्डिंग और लैंड, बिल्डिंग 87,000 और लैंड आपका 50,000। लेते हैं भगवान का नाम, करते हैं टोटल मैच होता है कि नहीं अभी पता लग जाएगा। 49,000, 87,000, 50,000, 359167 हो गया ना, साफ ही पता लग रहा है 359167। लो जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। नहीं समझ आएगा तो आपके पास तो ऑप्शन है प्लेबैक का, एक बार नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट, पॉज एंड नोट, आफ्टर दैट वर्किंग नोट, जर्नल। पहली जर्नल थी जहां पे वो प्रीमियम लाया और कैपिटल लाया, दूसरी जनरल थी जहां पर वो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तीसरी जनरल में पार्टनर्स ने कुछ कैश विड्रॉन करा है, हालांकि वो प्रीमियम का पार्ट है लेकिन वो प्रीमियम नहीं होता, वो सिंपल आपका कैश विड्रॉन है, जैसे कोई भी ड्रॉइंग करते हो कैपिटल कम होती है, सेम चीज़ है। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हम लोगों ने क्या किया, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट किया पहले, उसका टोटल किया। अब हमें पता है चारों का न्यू शेयर मिलाकर 1 होगा, उसमें से 2/5 माइनस कर दो, 3/5 न्यू शेयर हो गया। ए बी और सी का, और ए और बी सी की कैपिटल कितनी है, 2,03,500, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, टोटल कैपिटल आ गई। बस उसके बाद उसमें उसका शेयर लगाया, 135667 आ गया, सिंपल, बड़े आगे चलिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ए एंड बी पार्टनर हैं, 3:2, बैलेंस शीट आपके सामने है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर इधर आपके पास है। ये एक तो ये गुडविल है, ये कौन सी गुडविल है, ये आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है जिसको हम लोग लॉस मानते हैं, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है जिसको हम लोग लॉस मानते हैं और राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सी वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म की सी ब्रिंग ₹20,000 एज कैपिटल एंड गुडविल 15,000, दोनों चीज़ें ये लेकर आया है, गुडविल भी लाया है और कैपिटल भी लाया है। पार्टनर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, आपको न्यू रेशियो गिवन है, इन्वेस्टमेंट विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, वन ओनर हु ओड द फर्म ₹2,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रियलाइज फ्रॉम हिम। तो हमारा कोई डेटर था जिससे हमें 2,000 लेने थे लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय ₹2,000, क्रेडिटर 2,000 से कम हो गए, क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय ₹2,000, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर विल बी प्रोवाइडेड फॉर, आपने कुछ रिपेयर कराया उसका बिल पेंडिंग है तो वो आ गया 1,000,
इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2000, इंटरेस्ट एक्रूड है यानी मिलना बाकी है इन्वेस्टमेंट पे 2000, तो ये सारी आपकी एंट्री जो है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सी वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक इस कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द न्यू फर्म। बच्चे सब कुछ सेम है, मैं आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के छोड़ रहा हूँ क्योंकि रिवैल्यूएशन में एंट्रीज ज़्यादा हैं, बाकी क्वेश्चन आप इसको खुद ट्राई करेंगे प्लीज़। नहीं होगा बैलेंस शीट मैच नहीं होगी तो मुझे बताना। आंसर नंबर 22। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट मैं सिर्फ आपके साथ रिवैल्यूएशन डिस्कस करूंगा। इसमें इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट करो 20% से, 20,000 का 20% यानी 4,000 बाय इन्वेस्टमेंट 4,000, इन्वेस्टमेंट 4,000 हो गई। उसके अलावा फिर कहता है ये हो गया फर्नीचर डेप्रिशिएट करो 10% से, 15,000 का 10% 1,500 टू फर्नीचर 1,500 आ गया। उसके अलावा मेरे पास आता है पहली एडजस्टमेंट हो गई एक कस्टमर 2,000 जो कि इंसॉल्वेंट हो गया तो बैड डेप्ट हो गया तो आपका नुकसान हो गया टू बैड डेप्ट 2,000 लेने थे वो पैसा डूब गया। क्रेडिटर कम करने हैं 2,000 से, फायदा है बाय क्रेडिटर 2,000। एक आउटस्टैंडिंग बिल प्रोवाइड करना है यानी आपने कुछ रिपेयर कराया उसका बिल अभी आपने पे नहीं किया तो 1,000 वो आपको पे करना है तो वो आपका फायदा हो गया, मतलब नुकसान हो गया सॉरी। टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर कितना है 1,000। इंटरेस्ट मिलना बाकी है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, इंटरेस्ट मिलना बाकी है तो इंटरेस्ट एक्रूड 2,000। साफ देखने से पता लग रहा है कि ये यहाँ का बड़ा है टोटल 8,000 है, 8,000 माइनस 4,500 3,500 टू गेन जो कि पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पुरानी रेशियो आपको देखनी पड़ेगी 3:2 यानी 3 × 2 = 5, 7 × 21 = 14। रिवैल्यूएशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और इसमें मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा जो डिस्कस करना है। यहाँ पर ये जनरल रिजर्व है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, यहाँ पर ये गुडविल है जो कि राइट ऑफ होगी यानी डेबिट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इसके अलावा ये कैपिटल लाया है और 15,000 की गुडविल है वो लाया है, न्यू रेशियो आप देख है ही आपके पास या क्या कहते हो कराऊं तू ऐसे तो आगे भी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं पर, तो इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 22, रिमेनिंग क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट कर रहा हूँ। ए और बी पार्टनर हैं, 3:1 है, बिल पेबल कैपिटल अकाउंट इधर भी कुछ खास नहीं है, गुडविल राइट ऑफ होगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी राइट ऑफ होगा। सी एडमिट हुआ 16 शेयर के लिए, पेटेंट इज रिटर्न अप ₹90,000, प्लांट इज रिटर्न डाउन ₹90,000। सी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगी लैंड एंट्री, 1/6 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, यानी सी जो न्यू पार्टनर है वो कितनी कैपिटल आया वो गिवन नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करनी है
और कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, 1/6 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, दोनों का मिला के कंबाइंड कैपिटल है। ए रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 2% ऑफ डेटर। गुडविल वैल्यू करनी है आपको 2 ईयर परचेज ऑफ द 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। प्रिपेयर रिवेल्युएशन अकाउंट, इसका मतलब गुडविल भी वो कैश में नहीं लाया, तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि वो गुडविल कैश में नहीं लाया है। प्रिपेयर रिवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, आइएगा इसको कराता हूं मैं आपके साथ। आंसर नंबर 23, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट ज्यादा तो कुछ था नहीं। एक एंट्री थी पेटेंट को आपको 90,000 लाना है, अभी 80 है तो 10,000 से आपके पेटेंट इंक्रीज हो गए। बाय पेटेंट्स 10,000 से आपके पेटेंट इंक्रीज हो गए। इसके अलावा प्लांट को 90,000 पे लाना है, 1 लाख है तो प्लांट आपका 10,000 से कम हो गया। बस और तो कुछ है नहीं इसमें, तो आपका कंप्लीट ही हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर, पार्टनर का नाम सेम है, ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। डन, स्टार्टिंग करते हैं। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल है 120 एंड 80। डन। इसके अलावा चेक कर लो कोई आइटम, गुडविल उधर आपको दिख रहा है, गुडविल और पीएनएल ये राइट ऑफ होना है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं 20,000 को, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 गुडविल। ओल्ड रेशियो है आपके पास 3:1, यानी 15,000 और 5,000, इसे कहते हैं राइट ऑफ करना जब आप पार्टनर्स में डेबिट कर देते हो। सेम इसी तरीके से आपको पीएनएल को भी राइट ऑफ करना है या चार्ज करना है। ओल्ड रेशियो 3:1, यानी 7,500 एंड 2,500, तो ये मेरा जो आइटम था वो यहाँ आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस कुछ है नहीं, तो मेरी पहली एंट्री हो चुकी है, ठीक है जी। इसके अलावा अरे यार रिवैल्यूएशन में था तो सही, आपने बताया नहीं मुझे। एक रिजर्व आपको प्रोविजन बनाना है 2% डेटर का, तो 50,000 का 2% यानी 1,000 रुपीज का नुकसान और है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000 रुपीज का नुकसान और है, तो बाय लॉस 1,000 रुपीज दोनों में आएगा ए और बी में। रेशियो है 3:1, 750 एंड 250, ये लॉस भी आप लोग यहाँ पे शो करोगे। रिवैल्यूएशन 750 250, ये ठीक है, ये हो गया। गुडविल वैल्यू करनी है, वो तो सब पार्टनर्स कैपिटल का खेल है। अब तो अब जरा हम गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। पहले हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1। मैंने आपको पहले ही बोला था जो आपकी एडजस्टमेंट में गुडविल की वैल्यूएशन होती है वो अलग होती है,
और जो ऊपर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन होती है वो अलग होती है। दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर गुडविल गिवन होगी वो आपका लॉस है, जो कि राइट ऑफ होता है पार्टनर्स में, और ये गुडविल आप वैल्यू करते हो। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो भाई इसका, 20, 30, 50, 50, एक एक और एक 80, तो 180 इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, डिवाइडेड बाय 5 ईयर एवरेज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 आ जाएगा। इन शॉर्ट 360 डिवाइड बाय 5, 72,000 आपकी गुडविल आ गई। इसमें सी का शेयर निकाल लो, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल 72,000। सी कितने शेयर के लिए आया, 1/6, 12,000 की गुडविल आ गई, सी शेयर ऑफ गुडविल 12,000। अब जब मैं आपसे जर्नल की बात करूंगा, लेकिन इसमें क्या न्यू रेशियो भी गिवन है? नहीं, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है भाई। तो पहली एंट्री आप कहोगे सर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, वो हमें नहीं पता कितनी लाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि वो गुडविल कैश में नहीं लाया, तो वो गुडविल हम उसके अकाउंट से काटेंगे 12,000। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, क्योंकि सिंपल केस है तो पुराने पार्टनर्स ही सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बन जाएंगे, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, पुरानी रेशियो 3:1 यानी 9,000 3,000। इसकी एंट्री कर दो, सी में डेबिट हो जाएगा, 9,000 3,000 सी में डेबिट हो गया, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, और ए और बी में क्रेडिट कर दो 9,000 3,000 बाय सीज कैपिटल। डन डन। तो मेरी ये वाली एंट्री भी हो गई। अब कहता है सी एग्री टू कंट्रीब्यूट 1/6 कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो मुझे कंबाइंड कैपिटल निकालने के लिए ए एंड बी को पहले कैपिटल अकाउंट को बंद करना होगा। यहां पर मेरी एक एंट्री रह रही है अभी बाय कैश, जो कैपिटल वो लाया वो मुझे नहीं पता कितनी है। 120 प्लस 9 129, 80 प्लस 3 83, टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर 129 माइनस 15,722, 22,500 और 750 माइनस कर लो तो 105,750। 80 प्लस 3 83 माइनस 7,500 माइनस 250, 75,250। क्या आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर की एडजस्टमेंट कह सकते हो? सर कह तो सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में जो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर हमने किए थे, एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है वो समझना। वर्किंग नोट मैं लिख तो रहा हूं यहां पर कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल, ए की कैपिटल 105,750 105,750 75,250 75,250 105,750। तो कंबाइंड कैपिटल आ गई 181। पहले हम क्या करते थे, इस टोटल कैपिटल को उनके टोटल न्यू शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल निकालते थे ऑफ द फर्म। क्यों? क्योंकि वहां पे वो कहता था अपना प्रोपोर्शनेट शेयर लाया है या टोटल कैपिटल का शेयर अकॉर्डिंग लाया है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा, यहाँ पे कह रहा है कंबाइंड कैपिटल के अकॉर्डिंग लाया है। तो कंबाइंड कैपिटल यही हो गई। अब आप मुझसे सी की कैपिटल पूछोगे तो मैं बोलूंगा 181 में उसकी कैपिटल का शेयर लगा दो, यानी 1/6,
सिक्स, 30, 167, 30,167 ये कैपिटल थी जो वो लाया, लेकिन हमें पता है इसमें से 12,000 कट गए हैं। 30,167 था जो वो लाया, बट उसमें से 12,000 कट चुके हैं, तो बैलेंस सीडी कितना बचा? 18,167, 18,167। चलिए जी, इसको बैलेंस शीट में डालते हैं और बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी 105750, 75250, 18167, 5750, 75250, 18167, 199167। और क्या है भाई इसमें? बिल पेबल है 70,000 के, तो 70,000 के बिल पेबल आ गए। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, ये वाली एडजस्टमेंट भी हमारी हो चुकी है। अगर मैं एसेट साइड आऊँ तो पेटेंट 90 के हो गए थे, इस बार मैंने लिखा नहीं था साथ के साथ, पेटेंट भी 90 के हो गए थे और एक प्लांट था वो भी 90 का हो गया था। इसके अलावा डेटर्स को आप शो कर रहे थे 50 पे, लेकिन 49,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेटर हो गया, पीएनएल आएगा नहीं, कैश मेन पार्ट, कैश पहले से कितना है? 10,000। नया पार्टनर कितना कैश लाया? 30,167, 40,167। डन, 199167 प्लस 70,000, 269167 माइनस 180 माइनस 49,000, 40,167। एक बार फिर मैच हो गया, नोट करो भाई। तो इसमें मेन जो पार्ट था ना वो बस कंबाइंड कैपिटल वाला था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ वो कंबाइंड कैपिटल वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले जो क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे कंबाइंड कैपिटल है, लेकिन अगर मैं आपसे इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो वहाँ पे क्या था? 2/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग था। तो वहाँ पर हमने उनकी कैपिटल को उनके न्यू शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके निकाला, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंबाइंड कैपिटल है। ठीक है जी, डन। एक बार नोट कर लीजिए, पॉज एंड नोट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जर्नल। पोजन नोट कर लिया होगा आपने, नोट, डन। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24 देखता हूं। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस रेशियो 31 मार्च 2012 को। आपको ये रिजर्व दिया हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है, बाकी तो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा। नया पार्टनर एडमिट होता है, सी ए सरेंडर 1/5 ऑफिस शेयर, बी सरेंडर 2/5 ऑफिस शेयर। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल केस नहीं कह सकता, क्योंकि आपको न्यू रेशियो कैसे, न्यू शेयर कैसे ले रहा है वो चीज़ गिवन है। तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सी जो है वो 25,000 कैपिटल लाता है एंड ऑल्सो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। फर्म की गुडविल 75,000 वैल्यू है, बिल्डिंग 10% अप्रिशिएट होगी, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है 5% से,
रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड ₹725। इसकी भी जो रिवैल्यूएशन है ना वो इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 1200 के कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी खर्चा कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इसका मतलब क्या है? जब आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो आपका प्रीपेड हो गया, वो आपका प्रीपेड हो गया। आउट ऑफ द क्रेडिटर अ सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू टू सी विच विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल। जो नया पार्टनर आया है ना, एक तो उसके उसने हमें कोई लोन वोन दिया हुआ होगा, शायद क्रेडिटर में इंक्लूड होगा, ये लिखा है ना आउट ऑफ द क्रेडिटर, तो इसमें इंक्लूड था वो 10,000 जो कि हमें किसको देना था, सी को। अब सी को हमने बना लिया अपना पार्टनर, तो वो बन गई हमारी क्या, कैपिटल बन गई। आउट ऑफ द क्रेडिटर अ सम ऑफ 10,000 इज ड्यू टू सी विच विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 4,000 का जिसको आपने पहले डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, वो डिसओनर हो गया। तो अगर वो डिसओनर हो गया तो भैया वो सारा पैसा बैंक आपसे मांगेगा, क्योंकि बैंक ने आपको दिया था। बिल किसी और का था, पेबल किसी और के लिए था, जब बैंक उससे पैसा मांगने गया तो उसने पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन बैंक से आपने तो डिस्काउंट तो आपने करा रखा है ना, तो बैंक तो पैसा आपसे मांग रहा है। अब आप पैसा दे नहीं पा रहे हो तो बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट इंक्लूड अ सम ऑफ 2000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंस। खर्चा किया था हमने पीएनएल में, कुछ खर्चा डेबिट किया हुआ है 2000, लेकिन वो फर्म का खर्चा नहीं था, वो पर्सनली बी का खर्चा था, तो वो बी की कैपिटल से कटेगा और हमारा खर्चा हटेगा। वाह वाह, शायरी बन गई ये तो। बी की कैपिटल से घटेगा और हमारा खर्चा हटेगा, डन। बाकी कहता है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल जो सब पार्टनर्स की होगी, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो न्यू रेशियो में रखनी है आपको। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसको शुरू करते हैं, आइएगा। आंसर नंबर 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये बड़ा भी हो सकता है थोड़ा सा, एडजस्टमेंट ज़्यादा है रिवैल्यूएशन के नाम के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम बताइए ए बी सी, ए बी सी, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट अमाउंट। वर्किंग, आइए शुरू करते हैं। बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 22,000 की थी, 2200 से बढ़ा दो, बाय बिल्डिंग 2200 से बढ़ा दी हमने। स्टॉक एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%, तो स्टॉक है 10,000 का, 500 से कम कर देते हैं, टू स्टॉक
500 से कम कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी 18,000, उसको भी 5% यानी 900 से कम कर दीजिए। तो प्लांट एंड मशीनरी ये भी हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इसके अलावा ये फोर्थ एडजस्टमेंट हो गई मेरे पास। रिजर्व बनाना है आपको बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का 725, तो ये नुकसान है आपका। टू रिजर्व फोर डाउटफुल डेब्ट 725, फिफ्थ भी हो गया। सिक्स्थ में कहता है 1200 रुपये का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो कि नेक्स्ट ईयर का माना गया, तो आपका वो एडवांस हो गया, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 1200 रुपये। इसके अलावा एक क्रेडिटर था 10,000 का, वो उसकी कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका आपके रिवेल्युएशन में कुछ नहीं होगा। देखिए क्रेडिटर जो है वो फर्म की आउटसाइड लाइबिलिटी है, कैपिटल जो है पार्टनर की वो फर्म की एक इनसाइड लाइबिलिटी है। तो अब क्रेडिटर कम हो के कैपिटल बढ़ गया, यानी एक लाइबिलिटी कम हो के दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो इससे कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। बस यहां पर बाय क्रेडिटर और इसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे 10,000 से, और वहां पे क्रेडिटर कम हो जाएंगे जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज था 4,000 का, वो डिसऑनर हो गया, तो विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंट करा रखा था हमने बैंक से। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे बैंक से पैसा कटेगा एक तो, और एक हमारा नुकसान हो जाएगा। टू बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर 4,000, बल्कि इसकी एक एंट्री और हो सकती है कि जिसको आपने अपना डेटर बनाया था वो डेटर, बल्कि यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ मैं, जिसको आपने अपना डेटर बनाया था वो डेटर वापस इंक्रीज हो जाएगा और आपके बैंक से पैसा कट जाएगा, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। एक्सपेंसेस आपने डेबिट किए हैं 2,000 जो कि आपको बी के पर्सनल अकाउंट के थे, तो बी से काटने हैं वो आपको, तो आप यहाँ लिखोगे बाय बीज कैपिटल 2,000 के एक्सपेंसिस, हमारे एक्सपेंसिस हट गए और बी की कैपिटल घट गई। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो 2,000 हमने बी की कैपिटल से काट लिया और हमने अपनी जो फर्म की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर दिया। तो मैंने रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट कर ली है, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करता हूँ। कौन सा बड़ा लग रहा है, क्रेडिट साइड 2,200, 1,200, 2,000, 5,400 माइनस 500 माइनस 900 माइनस 725, 3,275। टू गेन, टू गेन बैलेंसिंग फिगर, आइए जरा रेशियो क्या है, 3:2। पार्टनर का नाम ए और बी, तो ये भी इनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1,965,1,310 बाय बैलेंस बीडी, आइए जरा ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 30,000 and 20,000, 30,000, 20,000, ठीक है जी। इसके अलावा एक रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 20,000 3:2 में, तो बाय रिजर्व 3:2 शादी 18, 6 × 12, ये भी हो गया रिजर्व। इधर एसेट साइड पर तो कुछ ऐसा है नहीं जिसको आपको राइट ऑफ करना हो। अब ये एंट्री कर लेते हैं, इसकी जो फर्स्ट और सेकंड एंट्री है ये वाली कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जर्नल करने से पहले मैं काम करता हूँ, हालांकि मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो
आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है? ए ने सरेंडर किया 1/5, 2/5 बी ने सरेंडर किया। तो मैं पहला जो वर्किंग नोट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं बात करता हूँ कि चलो ए का कितना था 3/5 और बी का शेयर क्या है 2/5। ए का है 3/5, बी का है 2/5। डन। न्यू पार्टनर आया सी, सी इज एडमिटेड। अब अगर मैं आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछूं, वो क्वेश्चन में गिवन है, क्या इसने किया 1/5 और इसने किया 2/5, तो रेशियो हो गई 1:2, रेशियो हो गई 1:2। अगर मैं आपसे कहूं सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकलेगा कि ए ने सैक्रिफाइस किया अपने शेयर का 1/3, बी ने सैक्रिफाइस किया अपने शेयर का 2/3। ये लिखा है ना यहाँ 1/5 और 2/5, सॉरी। वन बाय फाइव, टू बाय फाइव, 3/25, 4/25, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया। अब अगर आपसे मैं न्यू शेयर पूछूं ऑफ ए, तो आप कहोगे सर ए का ओल्ड देख लो, मैं कहूँगा 3/5, आप कहोगे उसमें से जो सैक्रिफाइस किया वो माइनस कर दो, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही बी का ओल्ड 2/5 और सेक्रीफाइस हुआ 4/25, 10, 6/25। सी, सी का आपको, सी का न्यू गिवन नहीं है, सी का न्यू गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, जितना ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही वो गेन करेगा। ये लीजिए 7/25, 12, 6 और 7, ये न्यू रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूंगा तो 1:2। अब मैं आपसे जर्नल की बात करता हूं, तो जर्नल में हम लोग चेक करेंगे कि नया पार्टनर 25,000 कैपिटल लाया, कि गुडविल भी कैश ही में लाया वो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कैपिटल आ गई, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म की गुडविल है 75, उसमें इसका शेयर लगा दो, ये रहा 7/25, 25 दिया 7 दिया 21, तो टोटल 47 आ गया। अब ये जो 21 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो थी 1:2, तो 7 and 14, डन, 7,000 आ गया और 14,000 आ गया, ये आपकी एंट्री हो गई। अब इसी एंट्री की मैं पोस्टिंग करता हूँ, बाय कैश कैपिटल आएगा 25, और भी कैपिटल आए हैं ना वो, बाय कैश कैपिटल आया 25, 10,000 तो उसके क्रेडिटरी ट्रांसफर हो गए, 25 और लाया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 and 14,000। तो मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट एंट्री भी कर ली, मैंने सेकंड भी कर ली, एट्थ एंट्री बैलेंस शीट में आऊँगा तब होगी, टेंथ एंट्री कहता है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कहता है जो भी कैपिटल है ना ओल्ड पार्टनर की वो उनकी PSR में कर दो, तो पहले इनकी कैपिटल आपको देखनी पड़ेगी कितनी कितनी आएगी। वर्किंग नोट एडजस्टमेंट ऑफ
कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए, बी और सी। क्लोजिंग मैं टोटल करता हूँ, ए का 30 प्लस 1965 प्लस 18 प्लस 7 25, तो 56965। मैं बताऊंगा इसमें कैसे करना, अभी ध्यान से देखना। 56965। बी की बात करते हैं, 20 1310, 12 14 26, और उसमें से माइनस होगा 2000, 45310, 45310। सी की बात करता हूं तो 25 और 10 35, 35। आप इन तीनों को प्लस कर दो, 35, 45310, 56965, 137 275, 137। अब ये हो गई टोटल कैपिटल तीनों की। अब वो ये कह रहा है कि ये कैपिटल न्यू रेशियो में होनी चाहिए, तो ये हो गई आपकी टोटल कैपिटल। अब कहता है कैपिटल इन एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि थी 12 6 7, 12 6 7। अगर मैं ए की बात करूं तो 137 275, 12 बटा 25। बी की बात करें 137 275, 6 बटा 25। सी की बात करें 137 275, 7 बटा 25। इंटू 12, 6 5 8 9 2, 3 9 4 6, 3 8 4 3 7। ये बोला है इसने कि न्यू रेशियो में होना चाहिए। ये तो नहीं बोला कि जो न्यू पार्टनर है उसके बेस को बनाकर करो, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। बस उसने बोला न्यू रेशियो में होना चाहिए जो टोटल कैपिटल है। तो टोटल कैपिटल ये थी, मैंने न्यू रेशियो में बांटी 6 5 8 9 2। मैं यहां पर लिखूंगा टू बैलेंस सीडी 6 5 8 9 2, 3 2 9 4 6, 3 8 4 3 7। ये आपका तीनों का आ गया, लेकिन अब डिफरेंस आएगा बच्चे, अब तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये तो इनकी कैपिटल थी नहीं। जैसे मैं ए की बात करूं तो ए की कैपिटल का बैलेंस क्या आ रहा था, ए का कैपिटल का बैलेंस आ रहा था 56965। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या फिर विड्रॉन। अब जैसे मैं ए की बात करूं तो ए को कैपिटल कितनी बनानी है, 6 5 8 9 2, लेकिन पहले से कितनी थी, 56965। तो इसका मतलब इसको और लाना है, 8927 की कैपिटल और लानी है। बी की बात करूं, 45310 थी, बनानी है 32946, तो ये कैपिटल और लेकर चला जाएगा, इसकी कैपिटल आज की डेट पे ज्यादा है। सी की बात करूं, 35 थी, 38437, ये और कैपिटल लाएगा 3437। अब आप अगर इसका ध्यान से देखोगे ना, तो इन दोनों का टोटल उसके बराबर होता है, जैसे 3437 प्लस 8927, तो ये उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग लाने ले जाने से बढ़िया एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, जिसको जिसकी कैपिटल विड्रॉन होगी उसको डेबिट कर दो, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 12364,
और जो कैपिटल विड्रॉन कर रहे हैं, टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल 8927 3437 8927 3437 डन। अब बी की कैपिटल को डेबिट करना है तो बी की कैपिटल को डेबिट कर दूं, इतने ऊपर लाता हूं इतने मैं नीचे का अमाउंट भूल जाता हूं यार, बड़ी परेशानी है जिंदगी में। 1 2 3 6 4 आप याद भी नहीं दिला सकते, तो 1 2 3 6 4 ये कौन सा क्वेश्चन पे आ गया। बी की कैपिटल थी ना ये 1 2 3 6 4 टू ए एंड सी कैपिटल, और ए और सी में क्रेडिट कर दो क्योंकि वो लेकर आएंगे। 8927 8927 3437 बाय 20 कैपिटल, तो ये यही एडजस्टमेंट हो गई, आपको और कुछ नहीं करना, बस ये यही एडजस्टमेंट हो गई। आप कैश में करते तो फिर ये कैश अकाउंट से एडजस्ट होता, तो हमने कैश में ना करके इसको सीधा यही पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। अब मैं आपके साथ बैलेंस शीट कंप्लीट करता हूँ, और मैं लिखता हूँ सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ए बी और सी 6589232946 38437 9232946 38437 137275। इसके अलावा क्रेडिटर आएंगे 23725, लेकिन उसमें से 10,000 कम हो जाएंगे, किस वजह से, सेवंथ एंट्री की वजह से। टोटल क्रेडिटर में 10,000 जो है वो सी की कैपिटल में ट्रांसफर हो गए, तो क्रेडिटर आएंगे 13725 क्रेडिटर आएंगे 13725। और तो कुछ है नहीं इसमें, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बिल्डिंग बिल्डिंग क्या हुई थी, बढ़ी थी 10% से, तो 22,000 प्लस 2,200 24,200 की बिल्डिंग हो गई, 24,200 की बिल्डिंग हो गई। इसके अलावा स्टॉक, स्टॉक 5% से कम हुआ था, तो ये 9,500 हो जाएगा। स्टॉक के अलावा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 18,000 थी, 900 से कम हुई थी, तो 17,100 हो गई। इसके बाद डेटर्स सिर्फ 3,000 रह गए, मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ थोड़ा सा, 725 ख़त्म हो गए। बिल रिसीवेबल में, अच्छा डेटर में लेकिन इंक्रीज भी होंगे ना, 3725 थे उसमें से 725 तो प्रोविजन के नाम के माइनस हो गए, लेकिन एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ था तो आप वापस पैसा मांगोगे अपने डेटर से, तो यह आएगा 7,000। और जब मैं बिल रिसीवेबल लिखूंगा तो उसमें से 4,000 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे बिल रिसीवेबल जो हैं, लेकिन बिल रिसीवेबल में से नहीं होगा, सॉरी बिल रिसीवेबल में तो पहले ही हो चुका होगा, जब हमने डिस्काउंट कराया था तभी हो चुका होगा, तो बिल रिसीवेबल तो एज इट इज आएगा 20,000 आएगा। किस में से, कैश में से। कैश का बैलेंस कितना है आज की डेट पे, 20,000 है। अब इसको एडजस्ट करवाओ, जो न्यू पार्टनर आया वो कैश लाया 47 और कैश कहीं गया भी नहीं, प्लस 47 माइनस जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या बीआर कह लो डिसऑनर हुआ था वो आपके अकाउंट से कटा, तो ये वो 4,000 हो गया, तो 43 प्लस 20 63। एक बार चेक कर लें जी, पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी हो गई, 10,000 वाली हो गई, बिल ऑफ एक्सचेंज वाली हो गई, एक्सपेंस
घी हो गई तो और तो कुछ बचा नहीं, देखते हैं भगवान का नाम लेके। 137 275 137 275 प्लस 137 25 1,50,000 24,200 9,500 17,100 7,000 20,000 63,000 10,200 का कुछ डिफरेंस आ रहा है भाई, इसका मतलब कुछ डिफरेंस आया है क्या? 10,200 का कुछ था हमारे पास? लगता तो नहीं है कि 10,200 का कुछ था। इसमें चेक करना जरा। दोबारा एक बार मैं चेक करता हूँ दोबारा। 3,294,638,437 13,725 24,200 बिल्डिंग 9,500 17,100 7,083,000 गड़बड़ क्या हुई है? गड़बड़ ये हुई है बच्चों कि हमने ना यहाँ गड़बड़ करी है। ये जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होना था ना, तो ये रिजर्व था 20,000, ठीक है, और ये रिजर्व था 20,000 लेकिन हमने बांट दिया 30,000। रिजर्व 20 था, हमने 30 बांट दिया। अगर मैं इसको अब चेंज करता हूँ तो मुझे ये सारा चेंज करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? मुझे ये बैलेंस शीट दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा ना मैं क्वेश्चन को चेंज करा रहा हूँ। आप यहाँ पर इस रिजर्व को 20 की जगह 30 ही कर लो और कैश को भी 20 की जगह 30 कर लो, ताकि दोनों जगह जो है वो सेम आ जाएगा आपका। तो इतना पार्ट आप प्लीज़ थोड़ा सा चेंज कर लो। अब आपका जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो आएगा 50 + 23,275 प्लस 30,000, तो 103,725। ये बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 103,725 माइनस 22 माइनस 10 माइनस 18 माइनस 3,725 माइनस 50 मैच हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं चेंज करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरा ऊपर का सारा सेम रहेगा, मेरा जो नीचे वाला पार्ट है यानी जो कैश अकाउंट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। यहाँ पर 20 की जगह मैं 30 लिखूँगा, तो 30,000 मेरे पास पहले से था। जो नया पार्टनर आया वो कितना लाया? 25 कैपिटल लाया और 75 में उसका शेयर था 7/25 डिवाइड बाय 25 × 7 21 ये लाया, तो 46 लाया। यहाँ थोड़ी सी गलती थी, 46 लाया, 46 वो कैश लाया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 46 प्लस कर दूँगा, तो 30 + 46 − 4,000 तो ये आ गया 72। अच्छा एक और था हमारा रिवैल्यूएशन में, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग जो आया था 1,200। अब मैं इसको टोटल देखता हूँ, अब मेरा मैच हो जाना चाहिए 151। इधर का तो सेम ही है, मैंने कुछ नहीं छेड़ा। 24,200 −9,500 −17,100 −7,000 −1,200 −92। अब मैच हो गया। तो बेसिकली मेरे से गलती क्या हुई थी, गलती ये हुई थी कि ये जो 18 और 20 मैंने 12 मैंने बांटा, तो ये टोटल 30,000 बांट दिया गलती से। तो अगर मैं इसको सही करता हूँ तो मुझे ये सारे बैलेंसेस सब चेंज करने पड़ जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन में चेंजेस करा दिए हैं, मैंने रिजर्व की जगह पे 20 की जगह 30 और कैश की जगह पे भी 20 की जगह 30 करा दिया। तो उसे चेंज कर लेना और क्वेश्चन नोट करो, मतलब सॉल्यूशन नोट करो।
पोज एंड नोट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, पोज एंड नोट, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत। डन, देखिएगा 24 मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अब मैं 25 आप लोगों के लिए एक बार छोड़ रहा हूँ, एक बार देख लीजिए जरा क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड शेयर इक्वली करते हैं, एक नए पार्टनर को एडमिट किया है सी को पार्टनरशिप में, 1000 सी पेज 1000 आउट ऑफ इस शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ 1800 फॉर 14 शेयर, यानी टोटल जो इसको प्रीमियम लानी थी वो कितनी लानी थी 1800, उस 1800 की जगह ये कितनी लाया सिर्फ 1000, तो बाकी 800 ये कैश में नहीं ला पाया, शेयर 1/4 ये इंपॉर्टेंट रहेगी ट्रांजेक्शन। कैपिटल दी है क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर आ जाएंगे तो बहुत सारे एसेट्स हैं, क्या पढ़ना है इतनों को, वन बिल फोर गुड्स परचेज ऑफ ₹6000 हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, तो एक बिल था 6000 का जो कि आपके परचेज किया था आपने उधार पे, वो आप बुक्स में डालना भूल गए थे, तो अब आप उसे डालोगे तो आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। डेटर्स आर ऑल गुड, सारे डेटर अच्छे इंसान है तो प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न ऑफ बाय ₹5000, लैंड एंड बिल्डिंग को 5000 से कम किया जाएगा। स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय ₹3000, स्टॉक को 3000 से कम किया जाएगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस टू बी वैल्यूड एट ₹18000, प्लांट एंड मशीनरी 12, ये सब आपके रिवैल्यूएशन है। देयर बींग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 शुड बी क्रिएटेड। सी जो है वो कैपिटल आया 40,000 बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनल टू डेट ऑफ सी ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सी। तो सी कौन है, न्यू पार्टनर, तो यहां पर क्या बना आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आइएगा आंसर नंबर 25। सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके साथ कंप्लीट करूंगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर क्या नाम है पार्टनर्स का, ए बी और सी एडमिट हुआ, पर्टिकुलर्स ए बी सी, बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले एक बिल था 6000 का,
आपने परचेस किया था, आप उसको ऑमिट कर दिया, आपने भूल गए आप उसको, तो क्या क्या करोगे आप? एक तो आप इसको रिवैल्यूएशन में अपना खर्चा दिखाओगे, टू ये आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए एक तरीके से 6000, और आप इसको अपना बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में शो कर दो। पहले से क्रेडिटर्स हैं, यस 39 प्लस 6 45000, तो ये मेरा पहली एंट्री हो गई। इसके बाद डेटर्स आर ऑल गुड का मतलब है कि मुझे प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो मेरा 600 का प्रोविजन कम हो गया बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 600 से मेरे डेटर इंक्रीज हो गए, मेरा फायदा हो गया। तो बैलेंस शीट में जब मैं डेटर्स दिखाऊंगा तो पूरा 20000 का दिखा दूंगा, क्योंकि 400 के मेरे डेटर्स कम हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग को 5000 से कम कर दो, अभी कितनी है 30, तो अब लैंड एंड बिल्डिंग कितनी रह जाएगी जब 5000 से कम करूंगा तो 25, और ये मेरा नुकसान है तो मैं यहाँ पे शो करूंगा 2 लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद 5000 हो गया, स्टॉक को रिटर्न डाउन करना है बाय 3000, अभी कितना है 13, तो आप यहाँ शो करेंगे 2 स्टॉक 3000, और जो स्टॉक की न्यू वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 10000। इसके अलावा फ्री होल्ड प्रीमाइसिस को 18000 पे वैल्यू करो, अभी कितना है 20, तो 2000 से आपका प्रीमाइसिस डिक्रीज हो रहा है, आपका नुकसान है। टू प्रीमाइसिस 2000, प्लांट एंड मशीनरी को 12 पे दिखाना है, अभी 10 है तो 2000 से इंक्रीज हो रहा है बाय प्लांट एंड मशीनरी 2000, 12 पे दिखाना है, 12 पे अभी 10 है आपके पास। फर्नीचर को 2000 पे दिखाना है, अभी 1800 है तो 200 से इंक्रीज हो गया 2000, 200 से इंक्रीज हो गया बाय फर्नीचर। इसके अलावा मोटर वैन को 1300 पे दिखाना है, अभी 1200 है, ये 100 रुपये से इंक्रीज हो गया बाय मोटर वैन। कितना था पहले, अब 1300 करना है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया, मेरे सारे एसेट्स आ गए क्या? डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक सभी आ गया लगभग, है ना? डेटर आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, स्टॉक आ गया, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, मोटर वैन आ गया, कैश को छोड़ के बाकी सारे आ गए। लाइबिलिटी साइड की बात करूँ तो क्रेडिटर आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट है 21, लिख लो वो भी लगे हाथ, बैंक ओवरड्राफ्ट 21। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, और रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। नीचे भी है शायद कुछ, अभी तो हमारा पूरा ही नहीं हुआ। एक क्लेम है 1000 रुपीज लाइबिलिटी का, वो भी क्रिएट करना है आपको, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है टू क्लेम फॉर डैमेजेस 1000, लाइबिलिटी क्लेम फॉर डैमेजेस 1000। बस बाकी तो आपकी कैपिटल वाली एंट्री है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करना है, यस वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रिजर्व दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड इक्वल जाएगा, 5000 का है तो 2500 बाय रिजर्व इक्वल जाएगा 2500। ये दोनों भी आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका था, एसेट में और कुछ ऐसा है नहीं। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 15, तो आप यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 15000 और वर्किंग नोट में आ जाओ
पहले मैं जर्नल करता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी की कैपिटल दी हुई है कितनी लाया सी 40,000, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको ध्यान से देखना, ये ऊपर था, यहाँ पर था, ये टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल में शेयर कितना बनता था उसका 1,800, लेकिन वो लाया कितना सिर्फ 1,000। तो यहाँ पे आप जो एंट्री करोगे वो 1,000 से करोगे, 41,000। सेकेंड एंट्री अब ध्यान से देखना, लाना उसको 1,800 था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 1,000 लाया, जो 800 नहीं लाया वो छोड़ेंगे थोड़ी, उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। टू न्यू रेशियो कुछ नहीं दी हुई, तो इसका मतलब पुराने पार्टनर्स ही आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, तो टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल 900 900। अब जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना, देखो मैं किस तरीके से करूंगा, पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय कैश, वो जो कैपिटल आए 40, फिर मैं यहाँ लिखूंगा बाय प्रीमियम, जो प्रीमियम वो लाए थे 1,000 रुपीज़, उसको इक्वली दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया सेक्रीफाइस रेशियो में, लेकिन जितना अमाउंट वो प्रीमियम का नहीं ला पाए वो उसकी कैपिटल से कटा, सीज कैपिटल 800 400 400, और वो इसकी कैपिटल से कटा, तो आप यहाँ पे भी दिखाओगे डेबिट में भी 400 400, टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, कुछ इस तरीके से चलेगा ये। या आपने इसकी पोस्टिंग कर दी, रिजर्व सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सब कुछ कर दिया, ये भी हो गया। अब कहता है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, ए और बी की जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट करनी है सी के, तो ये आ गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर वर्किंग नोट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले निकालो टोटल कैपिटल, कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ ये 1/4 के लिए, तो 4/1 1,60,000 ये टोटल कैपिटल आ गई। इसमें से क्या करो, इसमें से सी की कैपिटल हटा लो पहले, तो 40,000 में इसकी कैपिटल हटाता हूँ तो रिमेनिंग बचती है 120, और क्योंकि न्यू रेशियो कुछ है नहीं तो ये 120 आप ए और बी में कर दो इक्वल रेशियो में, जो उनकी पुरानी रेशियो थी वही नई रेशियो पर मान ली जाती है 60 और 60। तो आपका यहाँ पर जो बैलेंस सीडी बना वो बना 60 60, और इसका बना 40। अब कहता है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, लिखा है ना यहाँ पे, पैसा लाना पड़े तो लाओ, ले जाना है तो ले जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर कैपिटल इतनी बनाओ। मैं एक ही बात करता हूँ, 15,000 प्लस 900 प्लस 5,000, इसकी कैपिटल सिर्फ 20,900 है, बनानी कितनी है 60,000, तो ये और पैसा लाएगा 39,100 बाय कैश, ये और पैसा लाएगा। बी का भी लगभग सेम है, सारा सेम है, सारा सेम है। सी में पैसा नहीं ला सकता सर, मैंने पहले ही बताया था, अगर पैसा होता तो बात ही क्या है। तो सी का जो अमाउंट आपका डिफरेंस आता है वो आप करंट में डालते हो, कितना आएगा 800 रुपये, और अगर ये आया है क्रेडिट साइड तो ये आपका यहां पर आ जाएगा सीज करंट अकाउंट 800 रुपये। जब मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बात करूंगा तीनों की, तो उनका तीनों का टोटल आएगा 6 और 6 12 और 40 एक साथ, ए बी और सी 60 60 40, ये आ गया आपके पास। अब और तो कुछ है नहीं, बस एक कैश में एडजस्टमेंट होगी, कितना कैश था पहले से वो आप देख लो, 4,600 था, उस 4,600 में जो नया पार्टनर आया वो लाया था 41, पुराने पार्टनर्स को भी लाना पड़ा 39,100 प्लस 39,100, और तो शायद कोई एडजस्टमेंट है नहीं जिसमें कैश आया हो, नहीं। टोटल करते हैं और टैली करते हैं, 39,100 39,100 41,000 प्लस 4,600 1,2,3,800 प्लस 800 1,300 2,000 12,000 18,000 25 और 10 35,000 20,000 2,00,000
12,900 माइनस 160 1,000 21,000 45,000 डिफरेंस आ रहा है यार फिर से, लेकिन डिफरेंस अच्छा मैंने जल्दबाजी में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं करा, तो ठीक है आप कर लोगे इसको, नहीं होगा तो मुझे बता देना मैं नेक्स्ट क्लास में करा लूँगा, ठीक है जी, क्योंकि बहुत जल्दी शटडाउन होने वाला है मेरा कैमरा, तो ऐसा ना हो कि बीच में करप्ट हो जाए फाइल, तो इसको प्लीज़ आप कर लीजिएगा, सिर्फ मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट रह गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना, तो ये वाले जो आपके अमाउंट हैं ये चेंज हो जाएंगे बस, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, तो इसको कंप्लीट करना, बाकी सब मैंने किया हुआ एक बार नोट करना है तो नोट कर लो, पॉज एंड नोट, 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 एक बार देख लें रिवैल्यूएशन में कितना आ रहा है, 6,000 पाँच और तीन 8, 2, 10 और एक 11,000 17 माइनस में 2,600 माइनस में 300 वही आ रहा है जो डिफरेंस आ रहा है ना, 14,100 का लॉस आ रहा है, उसको आप इक्वली बांट दोगे ए और बी में, 7,000 7,000 फिर ये लॉस आपका उठकर यहाँ पर आ जाएगा 7,000 7,000 टू रिवैल्यूएशन, इससे क्या होगा ये आपका और इंक्रीज हो जाएगा, 39 की जगह ये हो जाएगा 45 45 तो ये 45,100 और 45,100 यहाँ पर आएगा इंस्टेड ऑफ दिस 45,100 45,100 100 प्लस 41,000 प्लस 4,600 135,800 अब आप टोटल करेंगे तो मैच हो जाएगा, चलिए ठीक है बच्चे आज की क्लास इतनी ही, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 26 27 को रिवाइज़ कीजिएगा, लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट और डेथ वाला जो कि पार्टनरशिप का लास्ट हमारा कंसेप्ट है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय, रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।